एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको टाइटल से समझ आ गई होगी कि आज हम ट्राई करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव छोले भटूरे। तो मेरे पास यहाँ तीन रेंज के छोले भटूरे हैं। दिस इज लो प्राइस रेंज, दिस इज मीडियम प्राइस रेंज जो कि हल्दीराम से है, एंड दिस इज हाई प्राइस रेंज जो कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट से है। तो सबसे पहले हम इन छोले भटूरों को प्लेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें इनमें से सबसे अच्छे और टेस्टी कौन से लगते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये वाले छोले भटूरे, क्योंकि ये मैंने बहुत खाए हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं न्यूट्रल लेके सबको ट्राई करूंगी। लेट्स सी कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छे और टेस्टी छोले भटूरे कौन से रखने हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द लो प्राइस छोले भटूरे। हम सबसे पहले इन्हें प्लेट करते हैं। तो ये वाले छोले भटूरे आरके फूड प्लाजा से हैं और इसकी प्राइस है 50 रुपीज। इसमें हमारे पास दो भटूरे हैं और इस पैकेजिंग में हमारे पास चने हैं। मैं पैकेजिंग में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार 50 रुपीज़ के हैं तो ठीक है, ऐसी पैकिंग भी चलेगी, बट टेस्टी बहुत है क्योंकि मैंने खाए हुए हैं पहले। तो एक कटोरी में हम हमारे चने डाल लेते हैं। एंड साथ में ही इन्होंने ये चटनी वाले प्याज भी दिए हैं। मैं एक साथ ही आपको दिखाऊंगी कि सारी प्लेट्स क्लोजअप में कैसी दिख रही हैं। तो इसके बाद हम प्लेट कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट छोले भटूरे मीडियम रेंज वाले जो कि हल्दीराम से हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऐसी पैकेजिंग में छोले भटूरे हैं। ओके ओके, ये बहुत बड़े हैं साइज में जो मेरी प्लेट में भी प्रॉपरली आई डोंट थिंक ही फिट होंगे। और ये फूले भी हैं, मतलब ठंडे हो गए हैं बट स्टिल ये थोड़े फूले हुए हैं। तो मैं ऐसे कैसे भी करके अपनी प्लेट में सेट करती हूँ। और इसमें साथ में हमारे पास इस पैकेजिंग में चने हैं एंड देयर इज समथिंग इन दिस कटोरी। तो आई लाइक द पैकेजिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो ऊपर मतलब इन्होंने पैक किया होता है ये इजिली खुलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इसमें बहुत स्मूथली खुल गया है एंड चने भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और इसमें हमारे पास है ये पैकेट वाला पिकल जो एक मिक्स वेजिटेबल पिकल है और साथ में कुछ अनियंस है। ऑनेस्टली मैं थोड़ी सैलेड से डिसअपॉइंटेड हूँ बट ठीक है, क्या पता टेस्ट बहुत अच्छा हो। तो नाउ कमिंग टू, हाँ मैं इसका प्राइस बताना भूल गई थी। दिस कॉस्टेड मी 193 रुपीज़। मतलब ऑब्वियसली छोले भटूरे के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। Now coming to the high end price के छोले भटूरे, this is from Courtyard by Marriott और ये बहुत expensive है guys। अभी मैं आपको price बताऊंगी तो आप खुद आपको लगेगा कि हाँ this is high end छोले भटूरे और मैं life में इतने expensive छोले भटूरे पहली बार खाने वाली हूँ। तो let's see कि इसमें ऐसा क्या special है। So ऐसे foil paper में I have the भटूरे। Okay. ये पता नहीं भटूरे जैसे लग नहीं रहे हैं बट ठीक है। और ये थोड़ा मतलब बहुत मुझे तो थोड़ा एक्सेसिवली ऑयल लग रहे हैं बट ठीक है। आई हैव थ्री भटूरे हैं। एंड देन सेम इन्होंने भी, तो मैं अपनी कटोरियाँ हटा देती हूँ, सेम वे इन्होंने भी इसे पैकेजिंग में मुझे ओके I have curd here. This is strange. मतलब ओके ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास दूसरी पैकेजिंग में है ओके ये हमारे पास चने हैं, दही हैं और तीन भटूरे हैं। और इसकी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। दिस कॉस्टेड 531 रुपीज। एंड शक्ल देखने के बाद मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि यार कोई सैलेड नहीं है, कोई अनियंस नहीं है, कोई अचार नहीं है, कोई चटनी नहीं है एंड अमृतसर के छोले भटूरे खा रहे हो, ऐसे तो डेफिनेटली नहीं होता। बट ठीक है, देखते हैं चने का टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो हम एक बार टेस्ट करने के बाद जज करें। ये हमारी आरके फूड प्लाजा की प्लेट जिसमें चने हैं एंड देयर इज अ वेरी ह्यूज पनीर का पीस भी, और ये सिर्फ 50 रुपीज़ की है। मतलब ऑब्वियसली यार मैंने तो खा रखे हैं तो मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बट ये कुछ प्लेट ऐसी दिख रही है। नाउ कमिंग टू माय मीडियम रेंज वाली प्लेट जो कि हल्दीराम से है। ये 193 रुपीज़ की थी जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसमें चने हैं, पैकेट वाला अचार है, अनियंस हैं और ये
भटूरे हैं, मतलब कि आई लाइक इट, मतलब ये इतना एक्सपेंसिव है 193 का, बट स्टिल इसके चने बहुत टेस्टी लग रहे हैं, जैसे पिंडी चने अमृतसर के होते हैं, भटूरे आर ऑल्सो स्टफ्ड धनिया वगैरह से, तो ये दिखने में दे आर गुड. एंड दिस इज़ माई मोस्ट एक्सपेंसिव छोले भटूरे जिनसे मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ. मैंने अभी खाया भी नहीं है, बट स्टिल मुझे ये बिल्कुल भी टेम्पटिंग नहीं लग रहे, क्योंकि यार मैं अमृतसर से हूँ और छोले भटूरे मुझे बहुत टेम्प्ट करते हैं, बट ये छोलों का रंग भी बहुत डार्क है. नो, और कोई चटनी नहीं है इसमें. आई हैव दिस दही की एक प्लेट, ठीक है, बट और भटूरे भी आप देखो, मतलब दे आर ऑयली एंड पता नहीं यार 5:30 के हैं, देख के बुरा तो लगेगा ही. मैं पहली बार इतना स्पेंड किया छोले भटूरों पे एंड वो ऐसे दिखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा. आप खुद, आपको भी लगेगा ही अगर आप स्पेंड करोगे तो. नाउ लेट्स मूव टू टेस्ट. तो सबसे पहले हाई एंड वाले एक्सपेंसिव वाले छोले भटूरे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट खराब होगा तो दूसरे तो यार अच्छे खाने को होंगे ना. तो मैंने ना इन्हें माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है, तो इस पर थोड़ा सा और भी ऑयल दिख रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं. ऑयल से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार छोले भटूरे हैं, डीप फ्राइड है, कोई चक्कर नहीं अगर थोड़े से ऑयली भी होंगे, बट यार शक्ल तो अच्छी दो. ठीक है, तो लेट्स गो गाइस. ये है हमारी 530 के छोले भटूरे. मैं पैक करा के लाई थी तो इसलिए भटूरे थोड़े चुई हो गए हैं, बट आई विल इग्नोर दैट पार्ट. ठीक है कि अगर मैं फ्रेश खाती तो शायद इतने चुई ना होते, बट मैं एक बार चने ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भटूरों के साथ बिल्कुल भी इसका अच्छा टेस्ट नहीं आया, बट मैं वैसे देखना चाहती हूँ कि ये कैसे हैं. बिल्कुल भी अमृतसर वाला टेस्ट नहीं है यार, मसाले स्पाइसेस कुछ नहीं है यार. ऐसे लग रहा है कि बस पानी में उबाले हैं और नमक मिर्च डाल के दे दिया है, कोई तड़का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इवन कुछ तड़का दिख भी नहीं रहा है यार चने में. एंड साथ में इन्होंने दिए है ये दही, विच इज अगेन प्लेन बेसिक दही, जो कि आप घर में भी जमा सकते हो. सो अ बिग 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 नो. मतलब मुझे ना पहले ये चैलेंज करने से पहले ही लग रहा था कि ना हाई एंड वाले से मैं डिसअपॉइंट होने वाली हूँ, पर इतनी बुरी तरह डिसअपॉइंट होंगी मुझे इसका आइडिया नहीं था. इसको साइड करते हैं और ट्राई करते हैं हमारे मीडियम रेंज वाले छोले भटूरे, जो कि हैं हल्दीराम से. हल्दीराम के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खाए हुए हैं पहले, थोड़े से मतलब ऑब्वियसली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इट्स फॉर 200 bucks, बट ठीक है, दैट गुड. सो मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बाइट तोड़ लिया, बट ठीक है, चलता है. और इसके साथ था अचार, मुझे पैकेट वाला अचार कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उसको इग्नोर करूँगी. आई विल हैव अनियन हेयर एंड दे आर गुड, दे आर रियली गुड. इसमें चने में आलू भी है, मतलब एक पीस आलू का भी है, एंड देन चने भी बिल्कुल अमृतसरी पिंडी चने की तरह हैं. तड़का भी लगा हुआ है गार्लिक धनिया मिर्ची का, एंड टेस्ट में भी बहुत मतलब ऐसे मसालेदार है, एकदम मस्त, दे आर गुड. ये भी भटूरे मैंने पैक कराए थे, घर आके गर्म किए हैं, स्टिल ये इतने चुए नहीं है जितने ये वाले चुए थे, बहुत टेस्टी है. सिर्फ एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, जब मैंने वहाँ लोगों को सर्व करते देखा तो ये साथ में कुछ मिर्ची का अचार और गाजर का अचार दे रहे थे, पर घर में इन्होंने ये पैकेट वाला अचार दिया है. मे बी कि वो पैकिंग में शायद ख़राब हो जाएगा, इस डर से इन्होंने ये दिया है, बट ठीक है, अगर मैं वहाँ खाती तो मुझे वो सैलड वगैरह पूरा अचार मिलता तो मुझे अच्छा लगता. तो ये आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको कहीं अच्छी एम्बियंस में बैठ के खाना है तो ये डेफिनेटली आप खा सकते हो, बट प्लीज़ प्लीज़ ये मत खाना. 530 के यार रोना आ रहा है यार, आएगा भी यार 530, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया है, अब आप मत करना प्लीज, सस्ते और मीडियम रेंज के छोले भटूरे ही लेना. नाउ कमिंग टू my ऑल टाइम फेवरेट आरके फूड प्लाजा के छोले भटूरे. ये वाले छोले भटूरे ना अमृतसर में बहुत फेमस भी हैं, मतलब अगर आप किसी से पूछोगे ना अमृतसर के वैसे सबसे टेस्टी छोले भटूरे कहाँ से खाने हैं, तो वो आपको ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो मैं कर रही हूँ सजेस्ट, आप ये ज़रूर खाना. तो यार बट आप ये भी देखो कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, चने बहुत अच्छे हैं, चने में देयर इज अ ह्यूज पीस ऑफ पनीर और सिर्फ 50 rupees में, और क्या चाहिए यार 50 rupees में. और ये प्लेस हाइजीनिक भी है, इसकी एक बड़ी डिसेंट सी एम्बियंस भी है, जहाँ आप आराम से फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हैं. और साथ में माई फेवरेट, इन्होंने चटनी दी है, अचार दिया है, अनियंस दिए हैं, तो ऑब्वियसली
थोड़ी चटोरी हूँ यार मैं, अमृतसर में रहती हूँ तो चटोरी तो होंगी ना। तो ठीक है ट्राई करते हैं हम हमारे फेवरेट वाले छोले भटूरे। सस्ता टिकाऊ माल, दिस इज यम, दिस इज वेरी टेस्टी। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ी बायस हो रही हूँ कि ना मैंने पहले खाया हुआ है तो मुझे यही अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है गाइज। अगर आप अमृतसर में रहते हो तो प्लीज़ आप भी ट्राई करो, आप अग्री करोगे कि ये बहुत टेस्टी है। हल्दीराम्स के छोले भटूरे भी बहुत टेस्टी हैं। अगर आप किसी प्यारी सी एम्बियंस को इंजॉय करना चाहते हो, किसी फैमिली डिनर किटी पार्टी में जाना चाहते हो, प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए, वहाँ जाइए ये ऑर्डर कीजिए। दे आर यमी, दे आर वेरी टेस्टी, बट दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि दिस इज़ फॉर 50, दिस इज़ फॉर 200, तो प्राइस का भी बहुत डिफरेंट है एंड स्टिल दे आर गिविंग यू क्वालिटी, दे आर गिविंग यू अ डिसेंट एम्बियंस टू सिट इन। तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकेंड चॉइस ये, और इसको तो प्लीज़ कभी मत खाना। मैंने ये पहले हाई एंड छोले भटूरे ट्राई किए हैं, मे बी कहीं और से भी मैं कभी मुझे आगे चांस मिला तो मैं और भी ट्राई करूँगी और मैं आपको बताऊंगी कि वो वाले कैसे हैं, पर ये बिग 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 नो। मतलब पता नहीं क्यों फाइव स्टार हमेशा डिसअपॉइंट क्यों कर देता है खाने के मामले में। दे आर सो एक्सपेंसिव बट स्टिल दे डोंट गिव यू क्वालिटी, आई डोंट नो व्हाई, अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है यार चलता है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको अपनी चॉइसेस बता दिए, मुझे आके फूड प्लाजा नंबर वन पे अच्छा लगा, देन हल्दीराम्स एंड देन मैरियट। वैसे मुझे अच्छा लगा नहीं है बट अब 1, 2, 3 का नंबर देना है तो मैं आपको 3 में मैरियट रख रही हूँ, बट प्लीज़ अवॉइड इट। सस्ता टिकाऊ खाना खाओ, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाऊँ तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर, बाय।